दोस्तों आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट पाव भाजी और आज हम मार्केट में मिलने वाली चटपटी सी स्ट्रीट फूड स्टाइल पाव भाजी घर पर ही बनाएंगे बड़े ही आसान से तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हेलो दोस्तों, डोलीज किचन में आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने एक गोभी और आलू और दो बैंगन को कट करके ले लिया है। तो जिन सब्जियों का कुकिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है हम उन सब्जियों को कट कर लेंगे और हम उनको एक कुकर में डाल लेंगे। हमें यहाँ थोड़ा सा लगभग आधा कप पानी डालना है, बस पानी हमें कुकर के तले में चाहिए, हमें इनको ऊपर तक नहीं भिगोना है सब्जियों को। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे और हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे। हमें बस हल्की सी सब्जियों को गलाना है बस। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनेगी। आप देखते जाइएगा, कोई भी स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और ये देखिए हमारी जो है एक सीटी लगी है और अब हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। तो सब्जी हमारी अच्छे से गल चुकी है, ज़्यादा बिल्कुल मैश नहीं हुई है ये उस तरह से, क्योंकि हमने एक ही सीटी लगवाई और एक ही सीटी हमें लगवानी है यहाँ पे। और अब हम ले लेंगे मैशर जिससे हम आलू मैश करते हैं। अब हम इसको थोड़ा गरम गरम ही मैश कर लेंगे क्योंकि ये अच्छे से इजीली हो जाएगी, और अगर ठंडी हो जाएगी तो ये इतने अच्छे से मैश नहीं हो पाएगी। और देखिए हमें बस इसको इतना ही मैश करना है। अगर हम चाहें तो इसको मिक्सी में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, एक पेस्ट बन जाता है जो कि पाव भाजी अच्छी नहीं बनती है फिर। अब हम एक अलग मिक्सी के जार में, ये ग्राइंडर जार में हम एक टमाटर ले लेंगे कट करके। ये है 10-12 लहसुन की कलियां, इनको डाल लेंगे। और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच पानी डालकर हम इसको पीस लेंगे। हमें ये पेस्ट बनाना है और पेस्ट भी बिल्कुल हमें पतला वाला बनाना है, हमें ये इसको थिक नहीं रखना है, रनी फॉर्म में हमें ये चाहिए इस तरह से। और अब हम ले लेंगे अपनी बाकी की सब्जियां, जहां मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 2 प्याज, 1 गाजर, 1 कैप्सिकम, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और ये है कुछ मटर। तो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी पाव भाजी में डाल सकते हैं। उनको हम बारीक कट करके ले लेंगे और एक कढ़ाई जो थोड़ा चौड़े तले वाली हो और थोड़ा हैवी तले वाली हो आप वो ले लें। उसमें हम डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच तेल, उसमें हम जीरा, हींग डाल लेंगे और अदरक और हरी मिर्च को अब हम इसमें डाल देंगे। इनको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने ये प्याज जो हमने कट करके रखे थे। आप चाहें तो मार्केट के जैसे जैसे वो लोग तवे पे कुछ बनाते हैं, अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ करें, नहीं तो आप आसानी से घर में मौजूद कढ़ाई में भी हम पाव भाजी बढ़िया सी बना सकते हैं। देखिए जब थोड़ा प्याज हमारा गलने लगे या थोड़ा सा ब्राउन सा होने लगे तब हम उसमें कैप्सिकम और गाजर को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो पहले हम वही सब्जियाँ ऐड करेंगे जिनका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा गलने लगे 1 से 2 मिनट बाद ही हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा था प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए अब हम इन सबको मिला के 1 से 2 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रखकर पका लेंगे, जिससे हमारी सब्जियाँ जो है आसानी से गलने लगेंगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी हमारी ये जो वेजिटेबल्स हैं। अब हम इसमें यहाँ मटर ऐड कर लेंगे मटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मैं 1/2 चम्मच अनारदाना डाल रही हूँ, इससे इसमें एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और ये जो अब हमने पेस्ट बनाकर रखा था ना लहसुन और टमाटर वाला, अब हम इसको भी 2 से 3 चम्मच डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने पेस्ट बनाया है लहसुन वाला, अगर हम लहसुन इसमें पहले ऐड करते हैं तो उससे उसका अच्छा फ्लेवर नहीं आता है, थोड़ा दब जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह से लहसुन वाला पेस्ट बनाकर अलग से ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा बटर भी डालकर हम इसको चला देंगे। और अब हम इसमें जो हमने मैश किए हुए थे आलू, गोभी और बैंगन वगैरह जो भी हम सब्जी ली थी वो पेस्ट भी हम इसमें मिला लेंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर से हम 2 से 3 चम्मच अपना ये गार्लिक वाला पेस्ट जो है डाल लेंगे और अब हम इसको मैश करते जाएंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी सब्जियों का जो टेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा।
मिक्सी में पीसने पर वो एक पेस्ट बन जाता है जो टेस्ट अच्छा नहीं देता है। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। अब हम इसको चला लेंगे। देखिए अभी अगर आपको लगता है कुछ वेजिटेबल्स अगर रह गए हैं मैश हुए बिना, तो हम उनको मैश करते जाएंगे। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला हम यहाँ और ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा धनिया और ऐड कर देंगे, और हम इनको जब तक हमारे मनचाही फॉर्म में ये पाव भाजी नहीं आती है तब तक हम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको करने में, करते रहिए। और अब हमने लिया है 2 चम्मच देसी घी और उसमें मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल लिया था जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इसको डाल देंगे, कलर भी और टेस्ट भी दोनों ही चीज़ें इससे इसकी बढ़ जाएगी। भाजी हमारी तैयार है और अब हम तवा गरम कर लेंगे, उस पर पाव को रख कर सेक लेंगे बटर लगा कर। अब हम कर लेंगे सर्व। देखिए मैंने भाजी सर्व कर ली, उसके साथ सलाद और रखेंगे पाव। तो ये लीजिए तैयार है हमारी टेस्टी सी बिल्कुल मार्केट जैसी पाव भाजी। अगर आप मेरे बनाए इस तरीके से पाव भाजी बनाएंगे तो यकीन मानिए कभी निराश नहीं होंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सी पाव भाजी बनकर तैयार हुई है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।